बट आई एम वेरी सैड टू सी सम स्क्रैचेस ऑन माई कार. मुझे समझ नहीं आता स्क्रैचेस कैसे पड़े हैं. आधी पोती उड़ा रही है पतंग. ये देखो मोटू तू मत उड़ रही हो पतंग के साथ. ये रही नव्या की पतंग, वो रही ब्लैक कलर की. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए फ्रेश व्लॉग में. देखो नव्या आई है मेरी हेल्प करने. आज हम करेंगे अपनी कार वॉश. कार बहुत गंदी हो रही जब से ठीक होके आई है अम्बाला से. मुश्किल से मुश्किल 15-20 किलोमीटर चली तब से ऐसी खड़ी है, सड़ रही है, बहुत गंदी हो गई है. तो नव्या मेरी हेल्प कर रही है आज. नव्या क्या क्या लेके आए हो? दो टॉवल्स, एक कार पॉलिश, इंटीरियर कार पॉलिश और एक कार का शैम्पू. तो पहले अब ये स्कूटी हटाते हैं, ये बाइक हटाते हैं, कार को खड़ा करेंगे इधर, फिर हम साफ करेंगे. बाइक अंदर कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी यहाँ पे अंदर लानी है. अरे भागो. अपनी मैग्नाइट इधर. ये देखो यार पेड़ के नीचे खड़े होने के फायदे हैं तो नुकसान भी कितने हैं. देखो कितना गंद होता है, पहले इसको हाथ से साफ करो. फिर छत पे देखो इतना बुरा हाल हो रखा है. चलो हाँ बेटा एक टॉवल कर लो के लिए. चलो करते हैं यार इसको शुरू, बहुत टाइम लगेगा, मन नहीं करा करने का. ये देख रहे हो ये फूल गिर गिर के कैसे चिपक गया, पता नहीं कैसे हटेगा सब कुछ. कार वॉश हो रहा है, देखो मुश्किल है ना. डालेंगे हम थोड़ा सा शैम्पू, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा डाल दिया. कार गंदी इतनी हो रखी है. रबी रबी कार की रबी रबी हो रही है. ये देखो ये हो गई हमारी मेहनत सफल. नव्या ने भी मेरी हेल्प कराई. बट आई एम वेरी सैड टू सी सम स्क्रैचेस ऑन माय कार. मुझे समझ नहीं आता है स्क्रैचेस कैसे पड़े हैं इतने सारे. मैंने तो इतने दिन से देखा भी नहीं. अब पता नहीं इस कैमरे में कितना दिख रहा है. ये देखो ये इतने सारे स्क्रैचेस डोर पे. दिमाग खराब हो जाता है देख के. अब ये तो लगे हुए देखो ये तो जाएंगे भी नहीं मेरे ख्याल से. 3M वगैरह कुछ रबिंग पॉलिश से चले गए तो चलेगा नहीं. तो ये देखो इतना गंदा लग रहा है. और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है ना तो यहाँ पे पेड़ के ऊपर बंदर आते हैं. और बंदर जब आते हैं ना तो कुत्ते उनके पीछे आके ऐसे उसको मतलब लाइक स्क्रैच करते हैं गाड़ी को चढ़ने के लिए ऊपर. तो आई थिंक सो अब मुझे कार पर कपड़ा डालना पड़ेगा. इसका कवर डाल के ढक के रखता हूँ उसे. लेकिन वॉश करने के बाद देखो क्या निखर के आ गई है. सो गाड़ी को मैंने वॉश करने के बाद कवर कर दिया था. अब ना ही इस पर स्क्रैचेस पड़ेंगे. जो डॉग ऐसे स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं ना वो भी नहीं होगा और गाड़ी गंदी भी नहीं होगी तो अच्छा रहता है. अभी मैं निकल गया वॉक करने. बस वॉक करने के लिए मैं शूज़ पहनना भूल गया, जल्दी जल्दी में चप्पल में निकल गया. अरे देखो क्या को इंसीडेंस है. प्रेरणा भी आ गई सामने से मैं वॉक करने निकला तो. अब मेरी वॉक कैंसिल, अब मुझे ये ऊपर लेके चली जाएगी. ज़्यादा ना हीरोइन मतलब छपरी गई. हेलमेट देख कितना गंदा पहन के गई है जब दूसरा वाला लेके दिया हुआ है तो. तुम्हारा हेलमेट कहाँ वाला SMK वाला हैं? इधर लगा दो. अबे व्लॉग में ये कहेंगे जब छपरी है ये चलानी नहीं आती उसको बाइक. तुम कैमरा देख के कॉन्शियस हो जाती हो क्या? अच्छा? अरे नहीं गियर लगा हुआ था. Disco some fun like one of a kind girl till morning's here when opinions start to. आज है 15 अगस्त का दिन. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल. ये देखो उसके हाथ देखो लड़की के. मौसम बहुत अच्छा हो गया, शाम होने वाली है तो हमने सोचा कुछ काइट्स ले आते हैं नब्बू के लिए और हम उड़ाएंगे पतंग. और आज थोड़ी सी बारिश भी हुई है. ये देखो लाइन से कबूतर बैठे हुए हैं. अभी हम जा रहे हैं पतंग लेने. और ये पता नहीं आज 15 अगस्त के दिन भी पता नहीं यहाँ पे इतनी बार लाइट जा रही है. वैसे तो कभी लाइट जाती नहीं है और आज के दिन इतनी लाइट जा रही है जब हम सारे घर पे हैं, छुट्टी है हमारी. तो चलो चलते हैं अभी पतंग लेके आते हैं नब्बू के लिए. हमने इसके कन्ने बांध लिए है. ये रही हमारी चरखड़ी जो कि पिछले साल की पड़ी हुई थी. अब हम उड़ाएंगे पतंग. पहले देखना पड़ेगा किस डायरेक्शन की हवा है. आर यू रेडी नव्या? यस दोस्तों देखो पापा क्या कर रहे हैं. पापा काइट तोड़ोगे क्या?
नहीं बेटा, इसको हम बोलते थे कि हम जब मोड़ रहे हैं, पता नहीं जब क्या होता है तो पता नहीं। अच्छा। लेकिन ये मोड़ना जरूरी होता है, अगर हम ये नहीं मोड़ेंगे ना तो काइट ठीक से उड़ती नहीं है। अच्छा। स्ट्रेटली डाउनवर्ड्स नीचे गिर जाती है। अच्छा। चलो नवे, आर यू रेडी? यस। हवा तो होती चल रही है, पीछे चल जाओ बेटा, आपको लग ना जाए। आपके बाद मैं आ जाऊंगी। पहली बार में हमारी झंड हो गई, फंस गई, पता हमारी और गई उधर, ये वाली वो छोटी सी दिख रही है हवा में उड़ गई ना, ये चल चल खड़ी यहाँ पे, हमारी सबसे कलरफुल है। चलना मैं नीचे आता हूँ, फोन बंद करो। अरे छत पे, और ये दादी पोती उड़ा रही है पतंग, ये देखो मोटू तू मत उड़ जाइयो पतंग के साथ, ये रही नव्या की पतंग, वो रही ब्लैक कलर की, आंखें बनी हुई है, नीचे नहीं जाएगी वो, इसमें हमने क्रूज कंट्रोल लगा दिया ना भैया। रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं लेके जा रहा हूँ प्रेरणा के लिए चाइनीज फूड, इसके अंदर है नूडल्स और मंचूरियन। प्रेरणा को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मैं बोला खा ले यार, क्यों इतना डाइटिंग कर रही है आज, तेरा मन कर रहा है तो तू खा। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के किसी में ही खाते तो कहती है चलो लेके आ जाओ, आज हम चीट डे बनाते हैं अपना, और मैं तो खा नहीं पाऊँगा यार, आज फास्ट है ना मेरा, ट्यूजडे को मेरे फास्ट होते हैं, आज तो मैं खा नहीं पाऊँगा। तो चलो, उसको देख के बहुत भूख लग रही है, जब वो बना रहे थे ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और यार यहाँ के डॉग्स देखो इतने शैतान है यार, देखो मेरी गाड़ी का कवर ऐसे इतना सारा फाड़ दिया, देखो नीचे पीस पड़ा हुआ है, बड़ा गुस्सा आता है यार। सारा खाना लिया है और मैं खा नहीं पा रहा, मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है ना, और ये लड़की मुझे चिढ़ा रही करी पापा बहुत यम्मी है। तो चलो गाइस, इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेरे को शॉर्ट ब्लॉग रखा है हमने क्योंकि कुछ कंटेंट नहीं था घर में, बड़े बड़े क्या ही कंटेंट देंगे आपको, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।